सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो आयोजन रखा गया है वह जारी रहेगा। आप तमाम लोगों से नहीं, पुनः सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अब मैं आग्रह करना चाहूंगा माननीय विधायक चंद्रहास चौपाल जी एवं उनके सहयोग में हमारे दीपक जी, माननीय विधायक जी के सहयोग में कृपया दीप प्रज्वलित कार्य में सहयोग करें, और साथ में शशिभूषण जी सबों से, जो भी सम्मानित अतिथि मंच पर हैं, मैं चाहूंगा कि माननीय विधायक जी के सहयोग में सभी आदमी सहयोग करें। माननीय विधायक जी एवं मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित का कार्य प्रारंभ हो रहा है, किया जा रहा है। तमाम लोगों से निवेदन है कि एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। मंच पर विराजमान हमारे मुखिया प्रतिनिधि पति सुधीर यादव जी मंच पर आवे और अपना विचार दो शब्दों में व्यक्त करें। हेलो, ग्राहक सेवा केंद्र उद्घाटन समारोह में उपस्थित मंच पर विराजमान विधायक माननीय चंद्रहास चौपाल जी, पूर्व प्रमुख कौशल जी, दीपक जी, शशिभूषण जी, हमारे वार्ड सदस्य जी, पंच जी, सरपंच जी, कलाकारगण, मीडियागण, इस समारोह में उपस्थित होने के लिए सभी का सादर अभिनंदन। ये ग्राहक सेवा केंद्र का आज उद्घाटन समारोह है जिस अवसर पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद। पुनः मैं चाहूंगा कि मंच पर विराजमान इंजीनियर कौशल कुमार यादव, मंच पर विराजमान, वैसे तो किसी भी कार्यक्रम में बहुत जल्दी आ जाते हैं हमारे मुन्ना भाई जी, लेकिन इस कार्यक्रम में विलंब से आया है, इसलिए नंबर उन्हीं का पहले लगना चाहिए। तो मैं आग्रह करूंगा मौरा झरखा पंचायत के पूर्व पैक्स अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना मेहतर, बरसों से सुधीर के बाद मुन्ना का नंबर आता है, इसलिए इस बार भी इसमें बिल में सुधीर के बाद मुन्ना का नंबर आया। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा शैलेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना जी, आप आए और अपनी बात दो शब्दों में रखें। आज के इस CSP केंद्र के उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हमारे सिंहेश्वर विधानसभा के लोकप्रिय जुझारू सर विधायक भाई चंद्रहास चौपाल जी, मंच पर विराजमान हमारे प्रखंड के पूर्व प्रमुख भाई इंजीनियर कौशल साहब जी, मंच पर विराजमान
बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष प्रखंड भाई दीपक जी और कामयाही पंचायत के मुखिया प्रतिनिधित्व कर रहे हमारे लोकप्रिय भाई सुधीर जी, मंच पर विराजमान हमारे प्रखंड के पूर्व जदयू अध्यक्ष भाई शशि भूषण जी, बैजू जी और हमारे सीएसपी केंद्र के जो मेन खलनायक कहा जाए संतोष जी, उनके जो है ससुर महोदय भाई धीरेन्द्र जी एवं हमारे संचालनकर्ता जो है मंच के संचालक भाई विनोद जी, तमाम ये जितने भी हमारे कलाकार बंधु हैं और इस पंडाल में उपस्थित तमाम श्रोता बंधु सबों का, माता बहने बुजुर्गों नौजवान दोस्तों सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मौला कामयाही हाट की ओर से सबों का हार्दिक अभिनंदन हार्दिक बधाई। आज जो है ये सीएसपी केंद्र जो है नौजवान लड़का पर जो है हमारे क्या कहते हैं एसबीआई केंद्र के एसबीआई बैंक के सारे लोग जो है सारे वरिष्ठ पदाधिकारी लंग विश्वास करके इनको जो है सीएसपी केंद्र देने का काम किया है। इनको भी हमारे मंच के ओर से तमाम सब बधाई और मैं संतोष जी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि सारे जितने भी इनके नजदीक ग्राहक आवेंगे सबका जो है एक नंबर काम करेंगे और लोगों को वही उम्मीद है कि संतोष जी जो है हमारे सही खड़ा उतरेंगे। हम लोगों के निवेदन करूंगा, उसका भी नाम है बदबुलू पत्रकार जी का भी मैं बधाई के रूप में छूट गया है, वो उनको भी हम लोगों की ओर से लाख लाख बधाई। और जो है अब जो है मैं विधायक जी से भी थोड़ा सा उम्मीद आशा इस इलाके के लोग रखते हैं, चहुमुखी विकास की बात भी इनके नजर में लोग जो है देना चाहते हैं, बगल साइड में रोड भी है वैसे जो है क्या कहते हैं बहुत रोज से जो है सोलिंग जो है पड़ा हुआ है जो कि प्रखंड मुख्यालय जाने का मेन मार्ग है, इसलिए मैं चाहूंगा माननीय विधायक जी से भी आग्रह करूंगा कि आप भी कम से कम इस समारोह में अपने वर्षों से जो है कई वर्षों से जो लोग जो है यहाँ पर जो है कीचड़ में जो है कैसे जाते रहते हैं वो जो है हमारे माननीय विधायक जी को मालूम ही है, इस पर भी प्रकाश डालने का काम करेंगे और जो भी विकास की बात है उस पर जो है सारे जनता लोगों का जो है ऐसा इन्हीं शब्दों के साथ मैं बाने को विराम देना चाहता हूँ। अब आपके बीच मैं पूर्व प्रमुख इंजीनियर कौशल कुमार जी को सादर आमंत्रित करता हूं, आप अपना वक्तव्य 2 मिनट में देने का कष्ट करें। अरे सीएसपी के जो फाउंडर हैं यहाँ पर संतोष जी, पहले पूर्व सरपंच मुन्ना जी के द्वारा खलनायक का से पहले नवाजा गया, उनको खलनायक कहने का मतलब था कि भाई आप कोई गड़बड़ नहीं कीजिएगा ट्रांजेक्शन। इस कार्यक्रम में के मुख्य अतिथि हमारे छोटे भाई माननीय विधायक चंद्रहास चौपाल जी, इस पंचायत के मुखिया के प्रतिनिधि सुधीर यादव जी, समाज सेवी शशि भूषण जी, धीरो जी, प्रोफेसर बैजू जी, दीपक जी, पत्रकार, हमारे बंधु। अब सीएसपी का इतना भव्य उद्घाटन और इतना भव्य आयोजन के लिए मैं निश्चित रूप से संतोष जी को दिल से बधाई देना चाहता हूँ कि आज जो सोशल मीडिया का दौर है, चाहे जो भी व्यापार है,
चाहे सिनेमा के दुनिया से लेके हो या राजनीति, इसी मीडिया और इसी प्रचार का देन है कि भाई इस देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। दो दो बार ये प्रचार प्रसार का ही एक काम है कि वो दो बार यहाँ पर बने, दूसरी बार भी सफलता मिली। और अभी हाल ही में आपने पठान सिनेमा को देखा होगा कि क्या उस वीडियो को इतना दिखाया गया, भाई 15-20 करोड़ लोग सिनेमा के रिलीज होने के पहले उस सिनेमा उस गाने को देखा। और ड्यूटी वो प्रचार ही है जो एक समा बांध देता है, तो निश्चित रूप से ये इनका अग्र सोच ही है जो आज के जमाने और समय की जरूरत है, उस जरूरत के मुताबिक इस CSP का जो उद्घाटन का इन्होंने एक समा बांधा है, प्रचार किया माइकिंग से, सभी लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया इन्होंने खुले तौर से। तो मैं निश्चित रूप से संतोष जी को एक बात CSP के ही संबंध में बोलना चाहूँगा कि आपने भाई इतना भव्य आयोजन किया है और इतने लोगों का अभिनंदन और उन्हें यहाँ आमंत्रित किया है, तो अपने कार्य में भी आप उसी तरह की शैली रखेंगे जो लोगों ने विश्वास करके यहाँ पर पहुँचे हैं, उन लोगों के विश्वास पे आप खरा उतरने का काम करिएगा। यही आपसे हमारी आग्रह है और हमारा आपको एक सुझाव भी है। इन्हीं चंद लफ्जों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हुए और संतोष जी को एक और शुभकामना देते हैं, विवेकानंद की पंक्ति सी को, उठो जागो तब तक प्रयत्न करो जब तक सफलता की प्राप्ति नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय विधायक श्री चंद्रहास चौपाल जी से आग्रह करूंगा कि आप 2 मिनट आप भी अपना मत विचार प्रकट करने की कृपा करें। आज के इस कवियाही के पावन धरती पर CSP के उद्घाटन समारोह के उद्घोषक विनोद जी, इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित संकल्प प्रखंड के पूर्व प्रमुख अग्रज इंजीनियर कुशल कुमार, कार्यक्रम में उपस्थित BJP के पूर्व अध्यक्ष दीपक भाई, समाजसेवी शशिभूषण जी और काव्याही पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सुधीर भाई, प्रोफेसर भजू भाई और CSP के गार्जियन कहा जाए नरेंद्र बाबू, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मेहमान कलाकार पत्रकार मुकेश जी, इस समारोह में तमाम दर्शक दीर्घा बैठे हमारे कवियाही पंचायत के सम्मानित आदरणीय गार्जियन, युवा साथियों, माता एवं बहनों, सही में हमारे प्रमुख साहब ने कहे कि यह CSP के उद्घाटन तो चुपचाप लोग कर लेते हैं, कानों कान खबर नहीं होता है, लेकिन मुकेश जी ने यह भव्य आयोजन किया और विशेष तरह के संगीत समारोह का व्यवस्था किया है। मैं आप सब से आग्रह करूंगा कि आप लोग भी निश्चित रूप से इनके CSP में अपना खाता अकाउंट खुलवाने का काम करेंगे। पहले सिंहेश्वर में बैंक हुआ करता था, इन्हें गिने लोगों का बैंक में खाता हुआ करता था, जो व्यक्ति सरकारी नौकरी करते थे, शिक्षक वगैरह वगैरह जो है, किसान का खाता नहीं हुआ करता। लेकिन आज के ऐसा विकासशील युग है, अकाउंट बैंक में है और वो सारी सुविधा विद्यालय का उनको बैंक अकाउंट के द्वारा प्राप्त होता है। कुछ दिनों के बाद लगता है कि आपको जो डीलर के द्वारा सुविधा मिल रहा है वो राशि ही आपको मिलेगा और वो भी बैंक अकाउंट के द्वारा मिलेगा। डीलर के यहाँ जो राशि का घपला होता है कि आपको देना है 10 किलो और देता 8 किलो, ये भी बंद होने वाला है। इसलिए आप सभी आदमी निश्चित अपना अकाउंट पहले खुला लें। और संतोष जी से एक आग्रह है, युवा है और CSP और जो मोबाइल पे
निकासी का काम गांव में लड़का सब करते हैं, उनका बहुत बदनामी आता है। हम लोगों के कान तक बहुत सारे पंचायती के माध्यम से आया है कि हमारा पैसा बेमानी हुआ है, हमारा हुआ है। तो ईमानदारी रखना जरूरी है। ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, विद्वानों का कहना है कि ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है। और कोई भी व्यक्ति उस शिखर पर तभी पहुंचता है जब वो ईमानदारी पूर्वक अपना कर्म करे। काम भी करना है और ईमानदारी से करना है। आप सभी लोग सहयोग करेंगे, और संतोष जी ने एक मिसाल पेश किया है, आज का जो युवा है, जो इस समाज में ये भोजपुरी के अश्लील गानों में बर्बाद हो रहा है, और एक युवा होकर CSP खोल के अपना जीवन यापन करना चाह रहा है। शायद संतोष जी के पिताजी भी नहीं हैं, उनका गार्जियन थे नरेंद्र बाबू ही हैं। तो हम सभी का भी दायित्व है कि उनको सहयोग करें और अधिक से अधिक खाता खुलवाने का काम करें, लोगों से आग्रह करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने हमको अपना बहुमूल्य वोट देके सिंहेश्वर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। शायद मैं उम्मीद करता हूं कि शंकरपुर का मैं बेटा नहीं होता तो मैं सिंहेश्वर का विधायक नहीं बन पाता। कारण 10,000 वोट से सिंहेश्वर प्रखंड में कि गिनती के समय में मैंने पीछे चल रहा था, और कोई भी व्यक्ति यदि 10,000 वोट से विधानसभा में पीछे हो जाए तो उसका जीतने का उम्मीद नहीं रहता। लेकिन शंकरपुर के महान मतदाता 12,000 वोट से मुझे लीड दिया। जाति पाति से और दल से ऊपर उठ के यहाँ के सभी जात के लोगों ने हमें सहयोग किया। मैं हमेशा शंकरपुर जनता का ऋणी रहूँगा। और जहाँ तक यह सड़क की बात है, जो हमारे मुन्ना भाई ने उनका नाम छूट गया था, मैं यहाँ के पैक्स अध्यक्ष ने कहा, हम लोग साथ काम किए हैं, तो यह सड़क के बारे में पहले भी लिख के दे चुका हूँ, विधानसभा में क्वेश्चन भी किया था। मैं पुनः क्वेरी करूँगा, और मेरा प्रयास है कि यहाँ से शंकरपुर मुख्यालय तक सड़क बने। कई काम विकास का हो रहा है, और हमारे प्रमुख साहब और मुखिया जी शशिभूषण जी और दीपक भाई से भी आग्रह करेंगे कि कोई ऐसा काम है जो बनना जरूरी है तो मुझे निश्चित सूचित करें। मैं भरसक प्रयास करूँगा कि आप सभी के आशीर्वाद से जो विधायक बनाने में आपने अपना बहुमूल्य वोट दिया, मैं आप खरा उतरूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः दिल के गहराई से आप सभी का हृदय से नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हाली विधायक जी, मेन मेन जो रोड एकाद गो है न, अपने अही पर कृपा करिए। छोटका छोटका जितना है न पंचायत में, तो ग्राम पंचायत सवल अपना स्तर से क्या, मेन रोड जो है वही टा बन गया। सबसे पहले यही रोड होना चाहिए। आप सभी से एक और आग्रह है कि महान समाजवादी नेता सरदेव शरद यादव और मधेपुरा की धरती महान समाजवादियों का धरती रहा, या आदरणीय भूपेंद्र बाबू की जन्मभूमि, आदरणीय बीपी मंडल साहब जिनको देश दुनिया में जानते हैं, जिनके नाम से मंडल कमीशन लागू है, उनका जन्मभूमि है, और श्रद्धेय लालू प्रसाद यादव जी जो गरीबों के मसीहा थे उनके कर्मभूमि, और महान समाजवादी नेता शरद यादव जी के कर्मभूमि है। और शरद यादव जी हमारे बीच नहीं रहे, उनका अस्थि कलश 5 तारीख को उनके सुपुत्र, उनकी पुत्री और उनकी धर्मपत्नी लेके आ रही है। और हमारे बिहार के अब तो नीतीश कुमार जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहे जाते हैं, तो मैं आदरणीय तेजस्वी यादव को कहूँगा कि रोजगार पुरुष, जिन्होंने नीतीश कुमार जी से समझौता किया और कहा कि 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात पर दोनों में सामंजस्य हुआ, तो वो श्रद्धेय शरद यादव जी के श्रद्धांजलि सभा में 6 तारीख को आ रहे हैं। आप सभी से मेरा एक नर निवेदन है कि आप सभी आदमी अपनी मोटरसाइकिल हो जिससे हो, 6 तारीख को झंडा मैदान में 11 बजे कलेक्ट्रेट के बगल में स्टेडियम में आप लोग को निमंत्रण है। हर हाल में अपने प्रिय नेता शरद यादव जी को श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ